मीरगंज बरेली अज्ञात वाहन में घुसी कांवड़ियों से भरी कार, 7 घायल व 1 की मौत। नेशनल हाईवे सिसनौली पुलिया के पास कांवड़ियों की गाड़ी पीछे से अज्ञात वाहन में जा घुसी। इस हादसे में 8 कांवड़िये घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां 1 कांवड़िये की मौत हो गई। कार में बच्चों समेत कुल 8 लोग सवार थे। मीरगंज पुलिस के मुताबिक सोमवार की सुबह 5 बजे कांवड़िये इको गाड़ी से कांवड़ लेकर लौट रहे थे। सभी चनेटा गाँव के रहने वाले हैं। सिसनौली पुलिया के पास इको कार आगे चल रही अज्ञात वाहन से जा टकराई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई, बच्चे भी रोने चिल्लाने लगे। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। तब तक कांवड़ियों ने ही घायलों को बाहर निकाला। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए कृष गुप्ता की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। अन्य घायलों में नीरज जयपाल, ईशा गुप्ता, गुड़िया गुप्ता, सोनम गुप्ता, मिष्ठी व कृष्णा का नाम शामिल है। चालक को झपकी आने के चलते ऐसा हादसा हुआ है। हादसे के बाद डीएम शिवाकांत द्विवेदी और एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज मीरगंज घटनास्थल पर पहुंचे। करीब आधा घंटा घटनास्थल पर रुके, निरीक्षण करने के साथ ही सीओ व एसएचओ मीरगंज से जानकारी ली। मैंने भी सब लोग मैंने कहीं नहीं गाड़ी कहीं कैंप ले चले ना भाई, सब एक ही कैंप कर ली तो देख दूँ करूँ ना। Yeah.